हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके अध्याय चार मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। मूल्य के अंतर्गत हम दो सूचकांक देखेंगे, एक है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और दूसरा थोक मूल्य सूचकांक। जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम बात करेंगे कुछ उचित मूल्य की दुकानें, राशन कार्ड्स तथा कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके सभी पर डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर है आपका थोक मूल्य सूचकांक WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए ये होता क्या है, यदि इसे हम थोड़ा डेफिनेशन समझेंगे तो ये कुछ ज़्यादा टफ पड़ जाता है। वैसे भी इकोनॉमिक्स को बोरिंग सब्जेक्ट ही माना जाता है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से समझाऊं। तो देखिए इसे हम थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। एक्चुअली में इससे प्रश्न क्या बनेंगे उस पर हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता क्या है। यदि आप इसे जान जाएंगे कि ये चीज़ें है क्या, तो आपको आंकड़े याद करने में भी थोड़ा आसानी होगी। देखिए इसे फर्म यानी खेत समझिए या एक इंडस्ट्री समझिए, ठीक है। यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आपका उत्पादन होता है वो इकट्ठा होता है आपका एक गोडाउन में। इन्हें खरीदते कौन है? होलसेलर मीन थोक विक्रेता या थोक व्यापारी इन्हें खरीदते हैं। फिर इन्हें ये अपने छोटे छोटे जो दुकानें होती है, जो इनके रिटेल शॉप होते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग के जरिए अपने अलग अलग स्टोर्स में पहुँचाते हैं, और यहाँ से छोटे छोटे फुटकर के पास ये सामान पहुँचते हैं, जहाँ पर हम इन्हें एक कीमत चुका करके अपनी ये वस्तुएं खरीदते हैं। तो ये पूरा सेटअप है, इसे समझिएगा। थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता क्या है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रा स्फीति की गणना की जाती है। सबसे पहला प्रश्न यही याद रखिएगा कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रा स्फीति की गणना की जाती है। देखिए मुद्रा स्फीति की गणना की जाती है करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें आपको चार पांच ऑप्शन दे देंगे, अलग अलग इंडेक्स देगा WPI CPI। यदि उसमें आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दोनों ऑप्शन में है तो आप उसमें थोक मूल्य सूचकांक को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। यदि मुद्रा स्फीति की गणना की जाती है करके आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा और उसमें एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है थोक मूल्य सूचकांक, तो आप उसे लगाइएगा। यदि थोक मूल्य सूचकांक नहीं दिया है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगाइएगा। यदि दोनों दिए हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप थोक मूल्य सूचकांक को लगाइएगा। तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों के द्वारा मुद्रा स्फीति की गणना की जाती है। अब देखिए मुद्रा स्फीति होता क्या है, इसे डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। मुद्रा स्फीति यानी जब बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, जब बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो उसे मुद्रा स्फीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब बाजार में वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, मुद्रा की मात्रा यानी क्वांटिटी, यहाँ वैल्यू की बात नहीं हो रही है, जब बाजार में वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो उसे मुद्रा स्फीति कहते हैं, ठीक है। देखिए इसे एग्जाम्पल से समझिए, मेरे पास अभी जेब में है 100 रुपये, अब मुझे एक मार्कर खरीदना है, इस मार्कर का प्राइस है आपका 25 रुपये, ठीक है। तो अब जैसे मेरे को इस मार्कर को खरीदना है, तो मैं इस मार्कर को खरीदने के लिए जाऊंगा, तो मुझे 100 रुपये के कितने मार्कर मिलेंगे? 4 मार्कर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मेरे जेब में है 500 रुपये, अब मुझे इन केस ऑफ इमरजेंसी मार्कर खरीदना है, और मैं 2-4 दुकानों में घूम रहा हूँ जहाँ मेरे को मार्कर नहीं मिल रहा है। लास्ट में मुझे एक दुकान मिला जहाँ पे मुझे इस मार्कर की कीमत बताई गई 50 रुपये का एक मार्कर, जबकि मैंने पहले खरीदा था 25 रुपये का एक मार्कर, लेकिन अब मेरे को बताया जा रहा है 50 रुपये का एक मार्कर। तो मैं इसे खरीदने से पहले सोचूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है, मुद्रा की मात्रा मेरे पास ज़्यादा है तो मैं 50 रुपये का भी एक मार्कर खरीद सकता हूँ। लेकिन देखिए मुझे ये वस्तु मिल रही है महंगी, तो समझिएगा मुद्रा स्फीति में वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो उसे मुद्रा स्फीति कहते हैं। मुद्रा स्फीति के कारण क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है? मुद्रा स्फीति के कारण वस्तु महंगी मिली मतलब महंगाई बढ़ती है, मुद्रा स्फीति के कारण महंगाई बढ़ती है। एक मार्कर की कीमत जो 25 रुपये थी उसका मेरे को 50 रुपये देना पड़ रहा है, मतलब मुद्रा की वैल्यू या कीमत कम होती है, मुद्रा की वैल्यू या कीमत कम होती है, ठीक है। तो इसे समझिएगा, जब बाजार में वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो उसे मुद्रा स्फीति कहते हैं। मुद्रा स्फीति में
मुद्रा की कीमत या वैल्यू घटती है और महंगाई बढ़ती है, इसे कहा जाता है मुद्रा स्फीति। तो WPI और CPI के द्वारा मुद्रा स्फीति की गणना की जाती है। अब देखिए, इन दोनों इंडेक्स या इन दोनों सूचकांक के द्वारा मुद्रा स्फीति की गणना किस प्रकार की जाती है? ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है। इस इंडस्ट्री में मान लीजिए एक टी शर्ट बनाया जा रहा है, वो टी शर्ट की कीमत है 100 रुपये, ठीक है। स्टार्टिंग कीमत जो यहाँ से अब ये बेचने के लिए निकाल रहा है एक टी शर्ट, उसकी कीमत है 100 रुपये। इसे थोक व्यापारी ने खरीदा यहाँ पर, तो देखिए थोक व्यापारी ने बहुत सारे टी शर्ट एक बार में खरीद लिए, अब उसे वो ट्रांसपोर्टिंग के जरिए अपने छोटे छोटे रिटेल शॉप में भेजेगा और इन रिटेल शॉप के जरिए लास्ट में ये फुटकरों के पास जाता है जहाँ से हम एक टी शर्ट खरीद लिए। तो देखिए जो थोक मूल्य सूचकांक है, यहाँ पे जो टी शर्ट बेचने के लिए इस इंडस्ट्री से निकला उसकी कीमत थी 100 रुपये। अब लास्ट में ये होलसेलर के जरिए इसके अंतिम जहाँ पे ये बेचा जाने वाला है ये टी शर्ट, वहाँ पे पहुँचते इस टी शर्ट की कीमत हो गई 150 रुपये, ठीक है। टी शर्ट की कीमत हो गई 150 रुपये, क्यों? क्योंकि ये होलसेलर ने जगह जगह पे इसमें अपनी ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करके अपने छोटे छोटे शॉप टी शर्टों को भिजवाया है। उसके बाद यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पेमेंट और अपना प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद इस टी शर्ट की अंतिम कीमत हुई एक टी शर्ट 150 रुपये की। तो अभी समझिएगा, थोक मूल्य सूचकांक में उत्पादक और थोक व्यापारियों द्वारा किए गए भुगतान पर आधारित होता है। थोक मूल्य सूचकांक उत्पादक और थोक व्यापारियों द्वारा किए गए भुगतान पर आधारित होता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए भुगतान पर आधारित होता है। उपभोक्ताओं द्वारा यानी हमारे द्वारा किए गए भुगतान पर आधारित होता है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जबकि थोक मूल्य सूचकांक उत्पादक और बड़े व्यापारियों के मध्य किए गए भुगतान पर आधारित होता है। सेकंड, इसके अंतर्गत जो मूल्य की गणना की जाती है, जो मुद्रा स्फीति के लिए जो गणना की जाती है मुद्रा की, उसमें केवल वस्तुओं की मुद्रा की गणना की जाती है, वस्तुओं की। इसमें ना ही कोई लेबर चार्ज इंक्लूड होता है, ना ही कोई ट्रांसपोर्टिंग चार्ज इंक्लूड होता है। जो प्रोडक्ट बेचने के लिए होलसेलर खरीद रहा है और उस वस्तु के एवज में वो जितना रुपए अदा कर रहा है, केवल उतने ही, मतलब वस्तु की कीमत ही इसमें काउंट होती है थोक मूल्य सूचकांक में। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तु और सेवा मतलब जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो प्रॉफिट है, ये सब चीज़, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत वस्तु और सेवा दोनों की मुद्रा काउंट होती है, ठीक। तीसरा पॉइंट, थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत प्रथम चरण में किए गए भुगतान की गणना की जाती है, या मुद्रा स्फीति के लिए इसमें जो प्रथम चरण में जो भुगतान किए गए हैं होलसेलर द्वारा, मतलब एक जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से बन करके रेडी है अब बेचने के लिए, कहाँ पर? इस इंडस्ट्री में। तो जब वो पहली बार जब उसके लिए भुगतान किया गया इन थोक व्यापारियों के द्वारा, तो इन थोक व्यापारियों द्वारा प्रथम चरण में किए गए भुगतान पर आधारित होता है आपका थोक मूल्य सूचकांक, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसी वस्तुओं के लिए अंतिम चरण पर किए गए भुगतान, मतलब जब से ये प्रोड्यूस हुआ और अलग अलग चरणों से होता हुआ जब ये वस्तु हमारे पास आया, तब उसके लिए जो हमने अंतिम रूप से जो उसकी वैल्यू पे की, यानी यहाँ पर थोक व्यापारियों ने 100 रुपये पे किया और हमने यहाँ पे किया 150 रुपये, तो अंतिम चरण में किए गए भुगतान को मुद्रा स्फीति के लिए उसकी गणना की जाती है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष है आपका 2011-12, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष है आपका 2012, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत जो वस्तुएं शामिल की जाती है, आपकी प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन, गैस, बिजली, इसके अलावा लग्जरी आइटम मतलब फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, हैवी मशीनरीज है, वो सारे काउंट होते हैं या उनके मुद्रा का आकलन किया जाता है आपके थोक मूल्य सूचकांक में। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत जो रोजमर्रा की उपयोग में की जाने वाली वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री, पेय सामग्री, शिक्षा, मनोरंजन, परिवहन, आवास, ये सारे की गणना की जाती है आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े आपके हर महीने जारी किए जाते हैं,
हर महीने आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दोनों के आंकड़े आपके हर महीने जारी किए जाते हैं, और हर वर्ष के अंत में यानी दिसंबर माह में इसका औसत निकाला जाता है, और उस औसत के आधार पर ही आपका उस वर्ष में मुद्रा स्फीति कितनी रही इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत केवल वस्तुएं शामिल है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत वस्तु और सेवा दोनों शामिल है। इसे याद रखिएगा, वस्तु और सेवा। अब देखिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कर किए जाने के कारण क्या क्या होते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा आपका किसी भी वस्तु की वर्तमान में क्या कीमत चल रही है और उस कीमतों के आधार पर महंगाई कितनी है, मुद्रा स्फीति कितनी है, इसका आकलन किया जाता है। इसके अलावा ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, स्पेशली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जैसे मैंने आपको बताया वस्तु और सेवा दोनों की गणना की जाती है इसमें। ठीक है, यह दोनों वस्तु और सेवा दोनों को इसमें शामिल किया जाता है आकलन के लिए मुद्रा स्फीति के। इसके जरिए क्या होता है, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले जो वर्कर है या जो कर्मचारी है उनको दिए जाने वाले महंगाई भत्ता या न्यूनतम मजदूरी दर इसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही उनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा पहली चीज मुद्रा स्फीति की गणना की जाती है, याद रखिएगा इसको। सेकंड, थोक मूल्य सूचकांक मींस होलसेल प्राइस इंडेक्स में इस वर्ष यानी वर्ष दिसंबर 2017 के अंत तक 3.6% की वृद्धि हुई, ये आंकड़े याद रखिएगा। इसमें मैं केवल आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा डीप लेवल पे जाके यदि पूछा गया प्रश्न तभी इस तरह के प्रश्न बनेंगे, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जो बेसिक प्रश्न जो थ्योरेटिकल प्रश्न बन रहे हैं मैं उसको आपको थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इस डायग्राम के जरिए। तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक में या होलसेल प्राइस इंडेक्स में 3.6% की वृद्धि हुई, 3.6% की वृद्धि हुई वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में दिसंबर 2016 तक की स्थिति में थोक मूल्य सूचकांक में 3.6% की वृद्धि हुई। ठीक, नेक्स्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मैंने आपको पहले ही बताया था दो चीज़ें शामिल होती है, पहली वस्तुएँ और दूसरी सेवाएँ। ठीक है, तो इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े एक CSO जारी करता है जो कि दैनिक उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को शामिल रखा जाता है इनमें, जबकि दूसरा आंकड़ा जारी किया जाता है आपका श्रम विभाग द्वारा या श्रम ब्यूरो द्वारा। ठीक है, इसमें जो आपका CSO है वो हमारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण शहरी और दोनों के संयुक्त रिपोर्ट एक साथ जारी करता है, जबकि श्रम ब्यूरो जो है अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर उन वर्करों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता न्यूनतम दर आदि आंकड़े इसमें शामिल किए जाते हैं। देखिए इसको याद करने में आपको आसानी होगा, ग्रामीण शहरी और संयुक्त, ग्रामीण क्षेत्र के CPI में, इसे याद रखिए इसका शॉर्ट फॉर्म CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ग्रामीण क्षेत्र के CPI में 4.4% की वृद्धि हुई 4.4%, शहरी क्षेत्र के CPI में 6.4% की वृद्धि हुई जबकि संयुक्त में 5.1। देखिए इसे कैसे याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र 4.4%, शहरी क्षेत्र 6.4%, 4 और 6 के बीच में संयुक्त 5.1%, 4, 6 और उसके बीच में 5। अब देखिए श्रम ब्यूरो, इसमें अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। देखिए इसमें 3 तरीके के सूचकांक जारी किए जाते हैं, CPIAL मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर मींस कृषक श्रमिक, CPIRL, RL मतलब रूरल लेबर मींस ग्रामीण श्रमिक, तीसरे नंबर पर है CPIIW मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर मींस औद्योगिक श्रमिक। तो इसके आंकड़े याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो आपका औद्योगिक श्रमिक वाला आंकड़ा इसे याद कीजिएगा, ये मुख्य बिंदु में दिया गया है। जो श्रम ब्यूरो है ये क्या करता है, जो आपके औद्योगिक क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके महंगाई भत्ता और उनके जो न्यूनतम समर्थन या न्यूनतम भत्ता जो उनको दिया जाना है उसके आधार पर वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। तो इसके लिए देश भर में 78 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया गया है या ऐसे औद्योगिक केंद्रों को शामिल किया गया है जिन्हें इन सूचकांकों में शामिल किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो इस CPIIW मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के जो सूचकांक में जो इसका केंद्र है वो है हमारा भिलाई केंद्र। ठीक है, हर स्टेट से एक या एक से अधिक केंद्रों को शामिल किया जाता है, छत्तीसगढ़ में इस CPIIW केंद्र में केवल एक ही केंद्र शामिल है आपका भिलाई केंद्र।
ठीक है, पूरे देश भर में से लगभग 78 केंद्रों का चयन किया गया है इस सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स के लिए। इस सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स में हमारे छत्तीसगढ़ में जो केंद्र शामिल है औद्योगिक श्रमिक सूचकांक के लिए यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए वो है आपका भिलाई केंद्र। तो देखिए सीपीआई आईडब्ल्यू यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो था आपका औसत, मैंने बताया था आपको कि डब्ल्यूपीआई यानी थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसके जो आंकड़े हैं ये हर महीने जारी किए जाते हैं। हर महीने क्यों जारी किए जाते हैं? क्योंकि उस महीने महंगाई दर कितनी रही, इसके अलावा बाजार में वस्तुओं की कीमत की कितनी रही और उस वस्तुओं की कीमत और महंगाई के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है। तो इस हर महीने यानी जनवरी से लेकर के नवंबर तक के आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है और उसका औसत लास्ट में उसका एवरेज निकाला जाता है दिसंबर में। तो देखिए दिसंबर 2017 तक की स्थिति में सीपीआई आईडब्ल्यू था हमारे भिलाई केंद्र के लिए 309.5 है आपका सीपीआई आईडब्ल्यू, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1.28% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा, बाकी ये दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आंकड़े भी आपको दिए गए हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में, लेकिन आप केवल इसे याद रखिए क्योंकि ये मुख्य बिंदु में अलग से हाईलाइट करके दिया गया है। तो सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स जो है 309.5 है वर्ष 2017 तक की स्थिति के लिए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1.28% की वृद्धि हुई है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये होता क्या है? देखिए राज्य सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज और अन्य उत्पाद खरीदती है और उसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों तक एक पर्टिकुलर प्राइस रेट पर पहुँचाती है राशन सामग्री। तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2012, छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे पहले खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2012 में लागू किया, जबकि केंद्रीय स्तर पर ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 2013 में, यानी 2013 में केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जारी किए जाने से पहले ही वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2012 लागू कर दिया था। नेक्स्ट, उचित मूल्य की दुकानें, जैसे मैंने आपको बताया सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों से फसल और कुछ अनाज खरीदती है और उन्हीं अनाजों को इन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों तक उपलब्ध कराती है। ठीक है, प्रदेश में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या है 12,298। वर्तमान में प्रदेश में 12,298 दिसंबर 2017 तक की स्थिति में 12,298 उचित मूल्य की दुकानें हैं। ये उचित मूल्य की दुकानें आपके कुछ स्व सहायता समूह, सरकारी एजेंसीज और कुछ ग्रामीण समूह, इनके द्वारा ये अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जाती है। तो वर्तमान में वर्ष 2017 तक की स्थिति में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या है 12,298। देखिए यदि कुछ ज़्यादा डीप लेवल पे जाके पूछा तो आपसे ग्रामीण और शहरी स्तर पर कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं ये पूछ सकता है, तो इसे ऐसे ही लमसम याद रखिएगा कि ग्रामीण स्तर पर है ये 11,000 जबकि शहरी स्तर पर है 1,200। ठीक है, 11,000 प्लस 1,200 तो कितना हो जाएगा आपका 12,200। बाकी आगे के आंकड़े आपको मालूम चल जाएंगे, आपसे इतने में ही क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उचित मूल्य की दुकानें वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 12,298 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है, जिसमें से ग्रामीण स्तर पर है टोटल 11,000 जबकि शहरी स्तर पर है 1,200। सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकान है आपका राजनांदगांव में, सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें संचालित है आपके राजनांदगांव में, जबकि न्यूनतम है आपका नारायणपुर में। ठीक है, उचित मूल्य की दुकानें सर्वाधिक कहाँ है? राजनांदगांव। न्यूनतम कहाँ है? नारायणपुर। इसे कैसे याद रखिएगा? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला आपका राजनांदगांव, जिला बड़ा है तो वहाँ पर उचित मूल्य की दुकानें भी ज़्यादा होगी। न्यूनतम स्तर पर है आपका दुर्ग, सबसे छोटा जिला, लेकिन यदि हम मैप में देखें तो मैप में नारायणपुर छोटा भी जिला है और ये थोड़ा आपका पहाड़ी क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें कम होगी क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जन घनत्व भी कम है, है ना, ह्यूमन डेंसिटी भी यहाँ पे कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो उचित मूल्य की दुकानें भी है वो कम है। ठीक, नेक्स्ट है आपका राशन कार्ड। वर्तमान में प्रदेश में कुल 57.75 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए, 57.75 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। ठीक है, सर्वाधिक राशन कार्ड बिलासपुर में है,
सर्वाधिक राशन कार्डधारी आपके किस जिले में है? बिलासपुर जिले में है। वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने राशन कार्डधारी है? तो 57.75 लाख परिवार। देखिए, वैसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, लेकिन होता क्या है कि पीएससी के एग्ज़ाम में आपको एक दो ऐसे प्रश्न देखने मिल जाएंगे, जैसे वर्ष 2017 तक की स्थिति में प्रधानमंत्री जनधन खाते में कितने खाते खोले गए, तो इस तरीके के प्रश्न आपको इक्के दुक्के देखने मिल जाते हैं। तो हम किसी भी प्रश्न को छोटा या बड़ा समझ नहीं सकते, इसलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लग रहा है आपको बताते चल रहा हूँ कि वर्तमान में प्रदेश में 57.75 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक राशन कार्ड है आपके बिलासपुर ज़िले में। वैसे भी आपके पिछले साल बिलासपुर को इस PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहले स्थान पर था, ठीक है, मतलब आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो राशन सामग्री वितरण किया जाता है, तो उस क्षेत्र में जो आपका बिलासपुर था वो पिछले साल वर्ष 2017 में पहले स्थान पर था, उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत। तो उसी आधार पर याद रखिएगा कि राशन कार्ड जो है वर्तमान में 57.7 लाख परिवारों को जारी किए गए हैं, जबकि सर्वाधिक राशन कार्डधारी है आपके बिलासपुर ज़िले में। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ कार्ड है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। इन राशन कार्डों के नाम और उन राशन कार्डों के रंग कौन से, कलर कौन से, उसे थोड़ा समझिएगा। आजकल ऐसे टाइप के प्रश्न एग्जाम में उठाए जा रहे हैं, जैसे कि आपके सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और उनसे संबंधित जो मतपत्र का रंग है, तो ऐसे तरीके के प्रश्न थोड़ा एग्जाम में आ रहा है। तो देखिए, वैसे भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि राशन कार्ड जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं और उसके रंग कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है आपका अंत्योदय, दूसरा एकल निराश्रित, तीसरा अन्नपूर्णा, चौथा प्राथमिक और पांचवा है निःशक्तजन, ठीक है। इस 5 प्रकार के राशन कार्ड छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, अंत्योदय जो है उसमें गुलाबी रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है, एकल निराश्रित का तो फिलहाल मेरे को मिला नहीं, यदि आपको मिल जाए एकल निराश्रित का जो राशन कार्ड का रंग कौन सा है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मुझे नहीं मिला। अंत्योदय का जो है वो गुलाबी रंग है, अन्नपूर्णा राशन कार्ड का जो रंग है वो गुलाबी है, प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड, प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड का जो रंग है वो नीला रंग है, जबकि निःशक्त जनों का जो जारी किया जाता है राशन कार्ड वो हरे रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है। तो ये राशन कार्डों के नाम, प्रदेश में कुल 5 प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, अंत्योदय राशन कार्ड, एकल निराश्रित राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड, प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड और निःशक्त जन राशन कार्ड। और उसके रंग, अंत्योदय वालों का रंग है आपको गुलाबी, अन्नपूर्णा राशन कार्ड वालों का रंग है गुलाबी, प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड का रंग है नीला रंग, जबकि निःशक्त जनों को जो राशन कार्ड जारी किए जाते हैं वो हरे रंग के राशन कार्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए, चावल उत्सव, चावल उत्सव का प्रारंभ किया गया था वर्ष 2008 से। वर्ष 2008 से हर वर्ष फरवरी माह में चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस चावल उत्सव का मेन उद्देश्य है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री वितरण की नियमित निगरानी रखना। चावल उत्सव के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जो राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है उसका नियमित निगरानी रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, चावल उत्सव हर साल फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। फरवरी में ही इसका आयोजन क्यों किया जाता है? देखिए, जो हमारी राज्य सरकार है हर साल नवंबर माह से आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मार्केट के जरिए अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादों को खरीदती है। कब से खरीदना चालू करती है? ये साल के अंत में नवंबर माह से अगले साल के जनवरी माह के एंड तक मार्केट के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को खरीदती है। तो खरीदना प्रारंभ होता है आपका नवंबर माह से, एंड कब होता है? जनवरी में। तो जनवरी के बाद जो अगला माह है फरवरी, उस फरवरी माह में ही इस चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह में चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। कब से इसका प्रारंभ किया गया है? वर्ष 2008 से। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन सामग्री की वितरण की नियमित निगरानी रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, ये जो चावल उत्सव है ये मुख्यतः इसका आयोजन किया जाता है ग्रामीण अंचलों में। ग्रामीण अंचलों में देखिए, जिन ग्रामीण अंचलों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, उन उचित मूल्य की दुकानों में फरवरी माह के 6 तारीख के बाद जो भी पहला बाजार लगता है, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर सप्ताह में किसी न किसी एक दिन निर्धारित रहता है, सप्ताह का एक दिन जिसमें गांव में बाजार लगते हैं, तो उस वैसे ही फरवरी माह में 6 तारीख के बाद जो भी पहला बाजार लगने का जो दिन रहता है, उस बाजार लगने के दिन उसी हाट या बाजार में ही आपका चावल उत्सव के माध्यम से इन राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। और जिन क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित नहीं है, उन क्षेत्रों में
फरवरी माह के 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ठीक है, प्रदेश में चावल उत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 2008 से। प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह में चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित है उन क्षेत्रों में फरवरी माह के 6 तारीख के बाद जो भी पहला बाजार लगेगा उसमें, और जिन क्षेत्रों में आपका उचित मूल्य की दुकानें संचालित नहीं है उन क्षेत्रों में फरवरी माह के 7 तारीख को आपका चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी आपकी 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ग्राम से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया ग्राम से प्रारंभ किया गया था आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई वर्ष 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक आदर्श ईंधन उपलब्ध कराना था। एक्चुअली होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अधिकतर चूल्हे में खाना बनाती है जिनसे निकलने वाली गैसों से कई उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया गया 1 मई वर्ष 2016 को, जो कि प्रारंभ किया गया था आपका बलिया ग्राम उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। राज्य में गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया गया था आपका 1 मई वर्ष 2016 को, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में जो गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था 25 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था अगले 2 साल में, यानी वर्ष 2016 में ये प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2018 तक छत्तीसगढ़ राज्य में जो गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था वो था 25 लाख परिवार। वर्ष 2016-17 या वित्तीय वर्ष 2016-17 तक कुल 10 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है, जबकि वर्ष 2017-18 में 15 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुआ था आपका 1 मई वर्ष 2016 को, अगले 2 वर्ष में यानी वर्ष 2018 तक छत्तीसगढ़ के कुल 25 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 10 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है, जबकि वर्ष 2017-18 में लगभग 15 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसके अंतर्गत हितग्राहियों को 200 रुपये के अंशदान पर एक 2 बर्नर वाला चूल्हा और एक गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। 200 रुपये अंशदान पर 2 बर्नर वाला चूल्हा और गैस सिलेंडर, पहला गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा सब्सिडी वाला। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इतना ही। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट रहा है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 14 खरीफ फसलों के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य की नई सूची जारी की है। इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, जिसमें मई से लेकर के जुलाई माह तक के करंट अफेयर का वीडियो मैंने एक अपलोड किया है। उस पर जाकर के आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस टॉपिक में जो हमारा अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला जो टॉपिक है उसमें इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2017-18 का अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज में भी जाकर के अपना डाउट पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।